श्री राम राम रामेति श्री राम राम रामेति योद्धा रूप देखा, वनवासी रूप के साक्ष्यों को परखा, टीवी पर पहली बार राजा रामचंद्र के दरबार को खोज कर लाए, श्री राम की शिव भक्ति की निशानियां भी मिली, पड़ताल के लिए किष्किंधा पहाड़ पर भी चढ़ गए, कड़ी मेहनत की, हर तरह की मुसीबत का सामना किया, हर खतरे से पंगा लिया। 6 महीने की पड़ताल में कई बार जान दांव पर लगी, लेकिन हमारी तीनों टीमों ने कदम पीछे नहीं खींचे। श्री राम के 5 रूपों से जुड़े हर सबूत को दुनिया के सामने रखा। अब बारी है 6ठे और अंतिम एपिसोड की, यानी श्री राम के बाल रूप की। आप कहेंगे इसमें मुश्किल क्या है, अयोध्या में ही श्री राम जन्मभूमि है तो बाल रूप की निशानियां भी वही होंगी, ये तो सभी कहते हैं। लेकिन अयोध्या की तंग गलियों में श्री राम की युगों पुरानी बचपन की कहानी को तलाशना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी हमारी टीम रामलला के साक्ष्यों को खोजने में कामयाब रही। तो तैयार हो जाइए श्री राम के बाल रूप की कुछ नई कहानियां, नई तस्वीरें, नए सबूत देखने के लिए, और वो भी इस शर्त के साथ कि वो कहानियां आपने सुनी बेशक हों मगर देखी कभी नहीं होंगी। श्री राम रूप। भगवान राम का जिक्र आता है तो दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो एक योद्धा की बनती है, एक सन्यासी की बनती है, एक ऐसे राजा की बनती है जिसकी प्रजा राम राज्य का सुख भोग रही थी। लेकिन आज हम श्री राम के एक और अद्भुत रूप की बात करेंगे। सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, उस रूप की कुछ निशानियां, कुछ सच्ची तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये रूप है भगवान का रामलला रूप, यानी श्री राम का बाल रूप। श्री राम का जन्म कहाँ हुआ ये तो आपने भी देखा होगा, जन्म स्थान पर भी शायद गए होंगे, लेकिन वो गलियाँ जहाँ रामलला खेला करते थे, वो गुरुकुल जहाँ उन्होंने शिक्षा ली थी, वो किताबें जो खुद रामलला ने पढ़ी, आज वो सब कुछ तलाशने की बारी है। तो चलिए आज चलते हैं श्री राम के रामलला रूप से मिलने। अयोध्या को हमने कई बार देखा, हर तरीके से परखा, हर गली की कहानी सुन चुके हैं, अब क्या बचा है? क्या आपने दशरथ महल का वो आंगन देखा है जहां श्री राम ने चलना सीखा? कनक भवन में वो कमरा देखा है जहां श्री राम रहते थे? उनकी पाठशाला देखी है? वो पेड़ देखा है जो आज भी राम नाम का जाप करता है? तो चलिए आज चलते हैं अयोध्या के एक नए सफर पर, कुछ नई कहानियों की तलाश में, कुछ अनदेखी निशानियों को खोजने। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या नगरी में। वही अयोध्या जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, वही अयोध्या जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वही अयोध्या जहाँ पर उन्होंने 11,000 साल तक राज किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी से आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमें आज उनका बाल रूप देखना है, वो रूप बचपन का, वो रूप जो बिना किसी फिक्र के, बिना किसी परेशानी के इंसान जीता है। भगवान राम ने बचपन कैसा जिया था?
भगवान राम ने बचपन में क्या किया था, भगवान राम ने बचपन में किस तरह से लोगों को एक अच्छी जिंदगी की सीख दी थी। आइए अयोध्या चलते हैं और अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप से जुड़े बहुत सारे साक्ष्य तलाशते हैं। अयोध्या में जाते ही सरयू नदी का किनारा दिखता है। जय श्री राम, जय श्री राम, अवधपति जय जय श्री राम। हर कोई दशरथ महल और कनक भवन का पता देता है, लेकिन हमारी निगाहें कुछ और तलाश रही थी। बाल रूप के साक्ष्यों की खोज में हमें वहां जाना था जहां महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। ये बात रामायण में भी लिखी है। दशरथ के कोई संतान नहीं हुए तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। यज्ञ किया पुत्रेष्टि यज्ञ तो कहा ऋषियों को बुलाए, जिसमें सिंघी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। सिंघी ऋषि बुला करके कहा कि हम यज्ञ कराएंगे, तब उन्होंने कहा कि एक मनोरमा नदी है यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, कहा वो यज्ञ आप वहाँ कराइए। सरजवा सूत्रे तेरे यज्ञ भूमिर विधि है धाम, यह सरयू से उत्तर के तट पर यज्ञ का आप अनुष्ठान कराइए जिससे आपका वो पुत्र प्राप्ति होगी। तो यहाँ से शुरू होता है भगवान राम के अवतार का जगह है और ये मखौड़ा में है, वहाँ यज्ञशाला है। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अयोध्या से बाहर वो स्थान भी मौजूद है जहाँ महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मखौड़ा धाम पे, अयोध्या से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर है। और मखौड़ा जो नाम है वो असल में अपभ्रंश है मख का, और मख का मतलब होता है यज्ञ। ये वो जगह है जहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान दशरथ ने यज्ञ किया था। रामायण में लिखा है महाराजा दशरथ ने मनोरमा नदी के किनारे यज्ञ किया था। वो नदी, वो यज्ञशाला आज भी मौजूद है, जहां आज भी श्री राम भक्ति की धारा बहती है। देखिए भगवान राम के बचपन की हम बात कर रहे हैं, बाल रूप की बात कर रहे हैं, लेकिन मखौड़ा धाम में मख स्थान पे ये वो जगह नहीं है जिसका बचपन से ताल्लुक है, बचपन से पहले का ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ किया था राजा दशरथ ने। अब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञ किया, कहाँ किया ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी वेदियाँ बनी हुई हैं, एक वेदी यहाँ पर है, एक वेदी यहाँ पर है, और पीछे आएंगे तो वहाँ पर भी वेदी है, मतलब 4-5 वेदियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। किस जगह पर यज्ञ किया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन जगह मार्क करने के लिए ये चारों तरफ जाल बना दिया गया है और हर जगह पर वेदी बना दी गई है कि कई सारी वेदियाँ इस पूरे स्पॉट में बनी हुई हैं। और जगह मान्यता यही है कि ये वो जगह है जहाँ पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि यज्ञ यहीं क्यों किया गया था, कहीं और क्यों नहीं। बताया जाता है कि इसी मनोरमा नदी के किनारे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था जिनकी मदद से महाराजा दशरथ ने यज्ञ पूरा किया। देखिए मखौड़ा धाम में वैसे तो कुछ ऐसा बचा नहीं है जो एस्टैब्लिश कर सके कि ये मखौड़ा धाम था, वो जगह थी जहाँ पे यज्ञ किया गया है, लेकिन ये मनोरमा नदी बाकी है। मनोरमा नदी को देखकर भी आपको लगेगा कि इतनी छोटी सी नदी है, लेकिन इसके नाम से ही आपको पता लगेगा कि मन को लुभाने वाली नदी हुआ करती थी। श्रृंग ऋषि का आश्रम यही कहीं आसपास था और इसीलिए इस जगह को चुना गया यज्ञ करने के लिए। वक्त के साथ नदी का किनारा, यज्ञशाला का हुलिया बदल गया, कई नए निर्माण हो गए, लेकिन इस जगह से जुड़ी आस्था और परंपरा आज भी जीवित है। आज भी लोग यहाँ पर पुत्र कामना के लिए यज्ञ करते हैं। दशरथ जी महाराज के पास संतान नहीं था, यज्ञ स्थल भूमि को मख कहते हैं। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को संतान न होने के कारण इस मख भूमि पर जो हैं उन्होंने यज्ञ किए और यहाँ पर यज्ञ करने से 4 पुत्र की प्राप्ति हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लिन्हे। यज्ञ को आप करेंगे तो आज भी हमारे यहाँ यज्ञ कराने से संतान की प्राप्ति होती है।
यज्ञ स्थल से कुछ ही दूरी पर राम के नाम का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। एक पेड़ है, पेड़ पर पत्ते हैं, लेकिन तने पर आश्चर्यजनक तरीके से राम का नाम अपने आप उभर आता है। लेकिन मान्यता यह है कि इस पेड़ को भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर लगाया था और उसके बाद से ही जिस तरह से उनके ऊपर आप तस्वीरों में अंकित दिखाते हैं कि सीना छापते हैं और राम लिखा होता है, उसी तरह से इस पेड़ में आप जहाँ पे भी वो करिए वहाँ पर आपको राम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ये मेरे कहने से मत मानिए, सिर्फ खुद इसको करके देखिए हर जगह जहाँ आप करेंगे। ये देखिए, ये मैंने हटाया यहाँ से और ये क्या लिखा हुआ है, राम। ये पेड़ यहाँ कब से है कोई नहीं जानता, गांव वाले तो लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन ये नजारा अभी तक आम लोगों से दूर था। कई लोग परखने के लिए छाल हटाकर देखते हैं, वहां भी राम का ही नाम मिलता है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ की छाल उतरती है तो भी वही लिखा होता है। ये देखिए, ये मैं छाल हटा दे रहा हूँ यहाँ से और तब भी राम शब्द जो है वो पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, मैं यहाँ से छाल हटाता हूँ, ये देखिए, ये पूरी मैंने छाल हटा दी, अभी भी क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। यहाँ जहाँ जहाँ से मैं छाल हटाऊँगा वहाँ वहाँ वही लिखा हुआ नज़र आएगा। ऊपर 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 यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, मैंने पूरी छाल हटाई है, ये पूरी छाल हटाई है और ये पूरी छाल हटते ही यहाँ इसे ये छाल हटी है और ये छाल हटते ही र आ की मात्रा म राम। अभी तो ये आगाज था, यज्ञ स्थल तो अपनी जगह सही है, लेकिन इस पेड़ का श्री राम के बाल रूप से कोई मतलब नहीं। अयोध्या में बाल रूप का सीधा नाता है उस जगह से जहां श्री राम का जन्म हुआ था, जिसकी कहानी आपने रामायण में पढ़ी है। राम लला का जो रूप आपने टीवी सीरियलों में देखा है, वो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में इस जगह पर है जहां त्रेता युग में राम लला का महाराज दशरथ के महल में जन्म हुआ था। देखिए, अयोध्या की कोई भी कहानी इसी जगह से शुरू होती है, ये राम जन्मभूमि का एंट्री पॉइंट है। मतलब मंदिर में जाने के लिए यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है, इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आप राम से जुड़ी किसी भी कहानी को जानना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी, यहाँ से, इस स्पॉट से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि राम जन्मभूमि की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। ये वो चेक पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से आगे कैमरा वगैरह नहीं जाता है, लेकिन जो सारी कहानी है वो यहीं से, रामलला की जो पूरी कहानी है वो इसी चेक पॉइंट से, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। अंदर राम लला की अद्भुत मूर्ति है जो उनके बाल रूप का सबसे बड़ा साक्ष्य है। सुरक्षा कारणों से जन्मभूमि में कैमरा ले जाना मना है, लेकिन प्रशासन से मिली इस फुटेज में उस जगह को देखा जा सकता है। अब रुख करते हैं उस जगह का जहां श्री राम के बाल रूप से जुड़ी एक अहम निशानी है। पग पग चलना सीखे राम लला। वो आंगन जहां राम लला पले बढ़े, वो गलियारा जहां श्री राम ने चलना सीखा, महाराजा दशरथ का वो महल जहां श्री राम का बचपन बीता। अयोध्या में दशरथ महल को बड़ा स्थान कहते हैं। राम कथा के मुताबिक महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ इसी महल में रहा करते थे और इसी महल में श्री राम का बचपन बीता था, जिससे जुड़ी कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसके लिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि शोभा दशरथ भवन की को कभी वर्णे पार, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है
कि दशरथ जी के राजमहल के महिमा का वर्णन कर सके। क्यों? इसलिए कि सारे जगत का पिता यहाँ दशरथ जी को पिता कह करके संबोधित करता है। दशरथ राजमहल राम भक्तों के लिए आज एक तीर्थ स्थान है, एक मंदिर है जहां भगवान के बाल रूप के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कुछ इसी कहानी को बयां किया गया है। दशरथ महल के गर्भगृह के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बाल लीला की बात होती है, भगवान राम के बाल रूप की बात होती है, अगर सबसे लंबा वक्त कहीं पर बीता है तो वो दशरथ महल ही है, क्योंकि पूरा बचपन यहीं पर दशरथ महल में बिताया। अब यहाँ पर चारों भाइयों की मूर्तियाँ मौजूद हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये मंदिर का स्वरूप कई बार बिगड़ा, कई बार बना है, कई बार इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया है, लेकिन ओरिजिनल स्पॉट आइडेंटिफाई किया एक टीले के ऊपर सा बना हुआ पुराना जो मंदिर था वहीं पर बार बार चीज़ें बदल के नया मंदिर बनता रहा। ये अभी रीसेंट मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सारी नक्काशी चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है वो काफ़ी रीसेंट है, लेकिन जो मंदिर है वो त्रेता युग में भगवान राम से पहले से यहाँ पर दशरथ महल कभी मौजूद हुआ करता था। इस राजमहल के चप्पे चप्पे पर श्री राम की बाल लीला से जुड़ी कहानियां हैं, तस्वीरें हैं। लोग आज भी रामायण की चौपाइयों में और इस जगह में कई समानताएं पाते हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाव हो बाजा। जब भगवान आ गए तो परमानंद की प्राप्ति महाराज दशरथ जी को हुई, तो उस भूमि पर हम लोग बैठे हैं जिस भूमि पर भगवान ने बाल लीला करके अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। दशरथ महल कई बार टूटा और कई बार इसे नए सिरे से खड़ा किया गया। मौजूदा ढांचा करीब 400 साल पुराना है, भवन नया है, लेकिन जगह वही युगों पुरानी रामायण के समय की है। इस जगह को सदियों पहले दशरथ का टीला नाम से पुकारा जाता था। तो अगर कोई जगह जहां पर सबसे ज्यादा भगवान राम ने बचपन का वक्त बिताया तो वो ये दशरथ महल है। अब अपने आप में सोचिए कि कितना बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए कि त्रेता युग में, मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो बचपन बीता उसको आप महसूस कर सकते हैं यहाँ दशरथ महल में। आप खुद उसकी अनुभूति कर सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी एक बड़ा आलिशान महल रहा होगा, एक ऐसा महल जिसमें भगवान राम का बचपन बीता। आज स्वरूप बदल गया है, आज चीज़ें बदल गई हैं, दीवारें, नक्काशी सब बदल गया है, लेकिन जगह एयरमार्क थी, जगह पहले से निशानदेही हो चुकी थी और लगातार तभी से ये मंदिर, ये महल चला रहा है। पौराणिक काल का दशरथ महल इसके मुकाबले काफी विशाल था। इसके अंदर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के महल हुआ करते थे। हमें बताया गया कि इस महल के पिछले हिस्से में एक भवन हुआ करता था जिसे रानी कौशल्या का महल कहते थे, यानी वही स्थान जिसे आज हम श्रीराम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है। रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल नील जामोंद, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे, जिसे राम जन्मभूमि, ये कौशल्या जी का स्थान रहा होगा, कैकेयी जी का स्थान अलग रहा हो, ये सारी चीजें रामकोट के अंतर्गत ही आती है। इस जगह को श्री राम के बाल रूप का साक्ष्य माना जाता है, लेकिन केवल बाल रूप ही नहीं, इस जगह की कहानी श्री राम के योद्धा रूप से भी जुड़ती है। दशरथ महल में भगवान राम के बाल रूप का वर्णन तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर एक तरह से ये कहें कि भगवान राम के योद्धा रूप की शुरुआत भी इसी जगह से होती है तो गलत नहीं होगा।
भगवान राम को गुरु विश्वामित्र यहीं से दशरथ महल से ही अपने साथ लेकर गए थे राक्षसों का वध करने के लिए। अयोध्या में श्री राम की बाल लीला से जुड़े साक्ष्यों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी टीम को केवल उन जगहों की तलाश थी जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है, जिनकी पहचान रामचरितमानस की चौपाइयों में छिपी है। हमने एक जगह खोजी तो कई जगहें मिली, और वो भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। श्री राम रूप, अयोध्या में हमारी टीम ने श्री राम के युगों पुराने गुरुकुल को भी खोज निकाला, जहां प्रभु राम ने अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वो कुंड भी जहां श्री राम दोस्तों के साथ खेला करते थे। लेकिन सबसे अद्भुत था वो महल जहां भगवान राम ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया, जिसका नाम है कनक भवन। कनक भवन को आप में कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन उस पौराणिक भवन से जुड़ी श्री राम की जो कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो शायद आपने भी नहीं देखी होगी। तो चलिए वो सब कुछ आज हमारे कैमरे की नजर से देखिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कुछ कही कुछ अनकही, कुछ सुनी तो कुछ अनसुनी। अयोध्या में श्री राम से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य को समझने के लिए हमारी टीम कनक भवन पहुंची। अयोध्या का जो सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जो सबसे खूबसूरत इमारत है, मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूं। कनक भवन नाम है इसका। कनक का मतलब सोना होता है, लेकिन जाहिर है ये इमारत इस वक्त सोने की नहीं बनी हुई है, लेकिन एक समय था जब ये महल बहुत खूबसूरत था और सोने का बना हुआ था। सीता जी को ये मुँह दिखाई के तौर पर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी बिगड़ा, काफ़ी बना। अब जो बिल्डिंग है वो ओरछा नरेश के द्वारा बनाई गई है, तो काफ़ी रीसेंट है। लेकिन इस महल से जुड़ी, इस भवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप बता। लेकिन अयोध्या के बालकांड में भी कनक भवन का जिक्र है, जिस समय श्री राम बाल अवस्था में थे। कनक भवन को हम सीता जी को मुंह दिखाई के तौर पर दिए गए तोहफे के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन भगवान राम का कनक भवन से उससे बहुत पहले से रिश्ता था। अपने बचपन का बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने इसी महल में गुजारा। कैकेयी माता के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इसी वजह से दो जगहें हैं जहां पर भगवान राम का बचपन एक तरह से पूरी तरह बीता। आप दशरथ भवन की बात करें या फिर ये कनक भवन। कनक भवन में एक बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने बचपन का बिताया है। हजारों साल बाद आज कनक भवन में श्री राम की बाल लीला से जुड़े साक्ष्य करीब करीब खत्म हो चुके हैं। अब तो यहाँ राजा रामचंद्र की कुछ निशानियां ही बची हैं। कनक भवन में जो सबसे खास चीज है उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दो पैरों के निशान बने हुए हैं, और मान्यता ये है कि त्रेता युग से ये निशान यहीं पर मौजूद हैं। और कहा जाता है कि इनमें से एक जो बड़ा पैर का निशान है वो राम जी का है, और जो छोटा है वो सीता जी का है। अब इस जगह के बारे में जो कहानियां हैं वो कहां से शुरू हुई, मैं आपको बताऊं कि यहां पर पत्थर लगे हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रेता युग में जब इस जगह को बनाया गया तब भी ये निशान यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद जब द्वापर युग में इसको बनाया गया तब भी निशान यहाँ पर मौजूद थे, और जब राजा विक्रमादित्य ने इस जगह को बनवाया तब भी ये निशान यहीं पर थे, और उसके बाद जब ओरछा नरेश ने इसको बनवाया तो उन्होंने भी इस जगह को वैसे ही रखा जैसे ये जगह थी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक कनक भवन को महारानी कैकेयी ने सीता जी को भेंट में दिया था। विवाह और वनवास के बाद श्री राम सीता जी के साथ इसी महल में रहते थे। यहाँ किसी बाहरी को आने की इजाजत नहीं थी। राम 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 राम
अयोध्या में अगर कोई सबसे आइकॉनिक जगह है तो वो कनक भवन है। हर कोई पहचानता है कि कनक भवन में जिस तरह से आप देखिए कि श्रृंगार करा दिया गया है मूर्ति का इस वक्त, और यहाँ पर भगवान राम और भगवान सीता ने अपना पूरा जो विवाहित जीवन था, पूरा मैरिड जीवन जो है वो यहाँ पर बिताया था, और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, और वही परम्परा आज भी यहाँ पर कायम है। आरती के बाद गेट्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, अभी गेट खुला हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पूरा श्रृंगार करके सजा के पूरा वो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ही गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, और यहाँ पर कनक भवन में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, कोई भी सिवाय जो सखियाँ थीं सीता जी की, उनके अलावा और किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। हम तो यही जानते हैं कि जहाँ श्री राम होंगे वहाँ उनके परम भक्त जरूर होंगे, लेकिन कनक भवन में महाबली हनुमान का कोई निशान नहीं मिला। फिर एक बेहद छोटा मंदिर नजर आया। राम जी के परम भक्त हनुमान जी को आपने जब भी देखा होगा उनकी बगल में बैठा देखा होगा, लेकिन कनक भवन में ऐसा नहीं है। कनक भवन में उनको करीब में जगह नहीं मिली, उन्होंने बहुत मान मनोवल किया, तो उसके बाद यहाँ पर अलग से एक स्पॉट बनाया गया, हनुमान जी को जगह दी गई। अब कनक भवन एक बहुत प्राइवेट जगह थी, एक बहुत प्राइवेट स्पेस था, तो यहाँ पर और किसी के आने की इजाज़त नहीं थी, इसी वजह से हनुमान जी को भी जब जगह दी गई तो यहाँ पर साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा बना दी गई, और ये भी त्रेता युग से ही यहाँ पर मौजूद है। कनक भवन अयोध्या का सबसे भव्य महल है। मौजूदा स्वरूप 400 साल पुराना है, विक्रमादित्य के समय का, लेकिन इस जगह का इतिहास युगों पुराना है। इसका नाता श्री राम से भी है और श्री कृष्ण से भी, सबूत भी मौजूद है। कनक भवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस भवन से जुड़ी सारी जानकारी इस पत्थर पर दर्ज है, और वाकई में मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या बीता है, कितने युग ये जगह देख चुकी है। अब अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं तो इसमें लिखा हुआ है कि त्रेता युग से ये भगवान राम और सीता जी का महल था, उसके बाद इसको महाराज कुश ने द्वापर युग में बनवाया, फिर मिडिल ऑफ द्वापर मतलब द्वापर के बीच में महाराज ऋषभ ने इसको बनवाया, इसी तरह से बनते बिगड़ते ये आज का स्वरूप जो ओरछा नरेश ने बनवाया है वो अब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस पत्थर पर जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है, जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज है, वो ये एक लाइन है, इन विजिटेड एंड लव्ड बाय भगवान श्री कृष्ण इन काली एज 614, मतलब 614 कालियुग के अंदर भगवान कृष्ण इस जगह पर आए थे। मतलब अब आप खुद महसूस करिए कि एक जगह जहां पर भगवान राम भी कभी रहते थे और वहां पर भगवान कृष्ण भी आए थे, तो ये है इस कनक भवन की महत्ता। ये भले आज इसका स्वरूप बदल चुका हो, ओरछा नरेश ने इसको बनवा दिया हो, ये नई बिल्डिंग बन गई हो, लेकिन ये बात यहाँ पर दर्ज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रेता युग से ये जगह इसी तरह थी, बनती रही, बिगड़ती गई, स्वरूप बदलते रहे, लेकिन पत्थर में पूरा इतिहास दर्ज है, द्वापर युग से, त्रेता युग से लेकर अब तक का। भवन की अंतिम मरम्मत ओरछा की रानी ने कराई थी। उस समय यहां श्री राम की दो मूर्तियां स्थापित हुई थी, जिनमें एक बाल अवस्था की थी। इससे यह साबित होता है कि इस महल का नाता श्री राम के बाल रूप से भी रहा होगा। 1891 में सब ये जो आप जो इस समय देख रहे हैं कनक भवन, यह 1891 में बनवाया था ओरछा के राजा महाराज महेंद्र प्रताप सवाई के नेतृत्व में, उनकी जो महारानी थी ब्रजभान कुमारी, उन्होंने इसका नवीनीकरण करवाया और यहाँ पर एक साथ दो विग्रह स्थापित करवाए। एक विग्रह पहले से था, दो, एक विग्रह जो है जो वहीं पर स्थापित है वो ना हिलता है ना डुलता है, एक मजले सरकार हैं जिनको कनक भवन सरकार बुलाता है वो, और एक बाल स्वरूप छोटा स्वरूप है। कनक भवन के ऊपरी हिस्से में किसी को जाने की इजाजत नहीं, वजह है उस जगह से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य जिसे लोग चमत्कार का नाम देते हैं। इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा।
उस समय जब श्रीराम को अयोध्या का राजा बनाया गया था, जब श्रीराम भगवान से राजा रामचंद्र बने थे, अयोध्या की राजगद्दी संभाली थी। अयोध्या के कनक भवन के रहस्य की कहानी के तार जुड़ते हैं ओरछा के राजा राम मंदिर से। जहां कण कण में श्री राम है, भगवान बनकर नहीं एक राजा की तरह। राजा रामचंद्र बनकर जहां श्री राम का नाम पौराणिक नहीं एक ऐतिहासिक सत्य है, जहां राम राज्य कोई फसाना नहीं एक हकीकत, उस जगह का नाम है ओरछा। मान्यता है कि एक अनंत रूप में श्री राम आज भी ओरछा में रहते हैं। यहाँ के सिंहासन पर विराजमान है, नगर के राजा हैं, इसलिए लोग भगवान श्री राम नहीं राम राजा कहते हैं। लेकिन ये कहानी तो रामायण से बिल्कुल अलग है। रामायण के मुताबिक तो श्री राम अयोध्या के राजा थे। वनवास के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया था, फिर श्री राम ओरछा के राजा कैसे हुए? इसका जवाब एक कहानी है जिसके दो किरदार हैं। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा रहे मधुकर शाह और उनकी पत्नी रानी गणेश कुमारी। राजा श्री कृष्ण के उपासक थे और रानी श्री राम की। कुछ दिनों बाद रामनवमी पड़ती है तो रानी और राजा में ये बहस हुई कि चलो अयोध्या चलती है, रामनवमी है अयोध्या चलती। दोनों में बहस हो गई, जिद हो गई। तो रानी ने, राजा ने एक व्यंग मारा कि अगर तुम्हारे भगवान सत्य हैं तो कुछ दिखाओ चमत्कार। तो रानी को वो बात चुभ गई। तो फिर राम ने बोले कि अब मैं अयोध्या जा रही हूँ और जब भगवान लेके ही मानूंगी तो भगवान आ जाएंगे तभी आऊँगी, अदरवाइज मैं सरयू में प्राण त्याग दूंगी। रानी ने अयोध्या में 12 साल तपस्या की, साधु संतों की सेवा करती रही, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन निराश होकर प्राण देने के लिए वो सरयू नदी में कूद गई। जब वो सरयू में धीरे धीरे जा रही थी, वो गले तक उनका पानी आ गया, मतलब डूबने ही वाली थी कि एक तेज आकाशवाणी हुई कि रुको हम आ रहे हैं। भगवान की दिव्यवाणी सुनकर रानी बाहर आई तो यहाँ एक 5 साल के बालक के रूप में भगवान स्वयं पधारे। उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हें दर्शन दे दिए, हम अब राम हैं। और रानी बोले नहीं आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य है लेकिन आपको ओरछा चलना पड़ेगा। उन्होंने नहीं अब क्या है, हमने दर्शन दे दिए, सबने आपके तो देख लिया। नहीं नहीं बोले आपको ओरछा चलना पड़ेगा। बड़ी जिद भगवान से होने, चूंकि भगवान भक्त के आगे हारते हैं। और मान्यता के मुताबिक श्री राम उसी समय रानी के साथ ओरछा पहुंच गए। अगर कहानी सच है तो श्री राम महल में क्यों है, उस चतुर्भुज मंदिर में क्यों नहीं जिसे ओरछा के राजा ने उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए बनवाया था? ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के लिए जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था उसके दरवाजे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब इस मंदिर में प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित की गई, इसके पीछे राजा राम की 3 शर्तें थी। क्या थी वो शर्तें, पहले वो सुन लीजिए। तीन शर्तों की बात तब शुरू होती है जब श्री राम प्रतिमा के एक अनंत रूप में
रानी गणेश कुंवरी के साथ ओरछा जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी तीन शर्तें थी। उसमें एक शर्त थी कि हम पुख्य नक्षत्र में चलेंगे जो 27 दिन में एक बार आता है। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जहां हमें बिठाल दोगे हम वहां से उठेंगे नहीं, और तीसरी शर्त ये थी कि वहां के राजा हम होंगे, हम राजा होंगे, आपको वहां से हटना पड़ेगा। भगवान राम की इन शर्तों ने ओरछा का इतिहास बदल कर रख दिया। ओरछा से अयोध्या का डिस्टेंस, जो फासला है, वो करीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन रानी को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पहुंचने में 28 महीने और 28 दिन लगे। अब आप सोचेंगे कि महज 450 किलोमीटर के लिए 28 महीने का वक्त क्यों लगा? इसके पीछे थी एक वजह, राम जी की एक शर्त, जिसकी वजह से रानी महीने में सिर्फ एक दिन ही चल पाती थी। इन हालात में जब रानी राजा राम की प्रतिमा लेकर ओरछा पहुंची, तब चतुर्भुज मंदिर पूरा तैयार नहीं था। रानी ने प्रतिमा को अपने महल में रख दिया। मंदिर तैयार होने के बाद श्री राम की मूर्ति वहां ले जानी थी, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से नहीं थी। तो हिज हाइनेस राजा राम का जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, असल में ये मंदिर नहीं है, ये एक राजमहल था। राजमहल जहाँ पर रानी रहा करती थी, और रानी जब मूर्ति यहाँ पर ले आई तो वो अपनी शर्त भूल गई कि राजा राम ने उनसे कहा था कि जहाँ पर आप मुझको रख देंगे वहाँ से आगे फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो अल्टीमेटली रानी को अपना महल छोड़ना पड़ा और राजा और रानी इस महल में रहने लगे। ये जो सामने महल आपको दिखाई दे रहा है, ये बाद में बना, और क्योंकि वहाँ पर राजा राम का राज्य बस चुका था, राजा राम, हिज हाइनेस राजा राम वहाँ पर बस गए थे, इसलिए राजा रानी ने ये महल बनवाया ताकि यहाँ पर रह सके। श्री राम जय राम जय जय राम। महल के चारों तरफ महाबली के चार धाम हैं। मान्यता के मुताबिक युगों पहले श्री राम को दिए एक वचन को ये आज भी निभा रहे हैं, जिसके मुताबिक श्री राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात होते ही अयोध्या चले जाते हैं। जब राम राजा अयोध्या जी से चलने लगे तो वहाँ के अयोध्या जी वासी वालों ने रोका, महाराज जी अगर अब ओरछा चले जाएंगे तो फिर अयोध्या जी में क्या रहेगा। फिर राम राजा बोले कि मैं दिन में ओरछा में वास करूंगा, लेकिन विश्राम करने अयोध्या जी आऊंगा। रात होते ही राम राजा के अयोध्या जाने की तैयारी शुरू हो गई। ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के दरबार बंद होने का वक्त हो गया है, रात का डिनर हो चुका है, उसके बाद उनकी जो जोत है उसको ट्रांसफर किया जाता है हनुमान मंदिर, क्योंकि अब ओरछा में उनका काम खत्म हो चुका है, दिन ढल गया है, अब जाना है अयोध्या, अयोध्या के कनक भवन में जहां पे रात्रि बीतेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। मान्यता के मुताबिक श्री राम के इसी काज के लिए महाबली हनुमान भी सदियों से ओरछा में है। दिव्य ज्योत हनुमान मंदिर पहुंची तो पूरी तरह से फूल डालते हुए लोगों के साथ, ये पूरी बारात, मतलब एक दरबार के लोग आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सौंपने के लिए यहाँ से हनुमान मंदिर अंदर जाएंगे। चार सौ साल से ये परंपरा निभाई जा रही है। कहते हैं दिन में ओरछा में रहने के बाद ज्योत बनकर श्री राम अयोध्या चले जाते हैं अपने भवन में आराम करने के लिए। तो ज्योत को यहाँ पर रखकर, जो हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है मंदिर का। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि भगवान राम जो है ओरछा में अपना दरबार खत्म करके रात को सोने के लिए अयोध्या चले गए हैं कनक भवन के अंदर। तो अब आगे क्या होता है वो कनक भवन की कहानी, अयोध्या चलते हैं। मान्यता के मुताबिक जब श्री राम महाबली हनुमान के साथ ओरछा से अयोध्या के कनक भवन आ जाते हैं, फिर एक रहस्य भरी रात की शुरुआत होती है।
कनक भवन को आप मंदिर के तौर पे कम और महल के तौर पे ज़्यादा देखिए। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान राम रात में आराम करने के लिए आते हैं। इसका सीधा ताल्लुक ओरछा के राम मंदिर से है, जहाँ पर दिन का कामकाज देखते हैं और यहाँ पर रात में आराम करते हैं। अब जाहिर बात है, जहाँ पर आराम करेंगे वहाँ सेवा करने के लिए भी लोग चाहिए, इसलिए 8 लोगों ने सखियों का रूप धरा। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, उन सब ने सखी का रूप धारण किया और उन सब के जो ग्रह, जो कमरे हैं वो ऊपर बने हुए। अब ऊपर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, इसीलिए ये कि ऊपर की जो मिस्ट्री है वो बहुत शानदार मिस्ट्री है। किस तरह से सबके लिए एक एक कमरा बना हुआ है, सबको सखी रूप में नाम दिया गया है अलग से, हर किसी का नाम चेंज किया गया है और हर किसी को एक ड्यूटी असाइन की गई है, एक स्पेसिफिक ड्यूटी जो वो लोग राम के लिए करते हैं। दावे के मुताबिक कनक भवन में ऊपर श्री राम का शयन कक्ष है, जिसके चारों तरफ उनके 8 सेवकों के 8 कमरे हैं। भवन के चुनिंदा कर्मचारी उस कक्ष की देखभाल करते हैं। गिने चुने लोगों ने उस कमरे को देखा है। तो जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का ऊपर का शयन कक्ष है, उसी से लगे हुए 8 कक्ष और बने हैं, छोटे हैं आकार में, और उन कक्षों में निवास जो है, जिसमें लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं और जामवंत हैं, ये चारों लोग अपना स्वरूप चेंज करके, मतलब स्त्री स्वरूप में, उनकी सेवा के लिए, जैसे किसी को पैर दबाना है, किसी को पंखा झलना है, किसी को भोजन देना है, तो किसी प्रकार रात में भी उनको जो आवश्यकता ऐसी पड़े, उस आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो परिचर के रूप में वहाँ स्त्री स्वरूप में, सखी स्वरूप में ये सातों लोग उपस्थित रहते हैं। मान्यता यही है कि श्री राम अपने कक्ष में आज भी आते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, सबूत भी हैं जिन्हें कुछ लोग देखने का दावा करते हैं। बताया जाता है कि जैसा एज ए राजा की तरह उनका बिस्तर लगाया जाता है, उसमें युवराज की तरह, राजा की तरह वो पति पत्नी निवास करते हैं। ये भी कहते हैं कि सुबह जब लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, तो उस चादर में सलवटें लगी रहती हैं। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया जाता है कि सूक्ष्म रूप से प्रभु जी यहाँ निवास किए रहे होंगे। रामायण से लेकर अब तक अयोध्या का कनक भवन कई बार उजड़ा और कई बार बसा, फिर भी राम कथा से जुड़ी यहाँ की निशानियों को लेकर मान्यता आज भी बरकरार है। साक्ष्य भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जब तक कनक भवन की चमक रहेगी, तब तक यहाँ श्री राम कथा गूंजती रहेगी। तो ये विद्या कुंड है, अयोध्या का विद्या कुंड, यानी कि वो जगह जहाँ पर भगवान राम और उनके भाई पढ़ाई किया करते थे। जामवंत का किला भी था, विभीषण का किला भी था, यहाँ गंधमादन किला भी था, गावस का किला भी था, नवरत्न किला भी था, नील नल द्वार भी था, अंगद का किला भी था। अयोध्या का अगर कोई बहुत डिफाइनिंग फीचर है जिसको आपने हमेशा देखा होगा, वो ये हनुमान गढ़ी है। श्री राम रूप। रामायण में लिखा है कि श्री राम की शुरुआती शिक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हुई थी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक महर्षि वशिष्ठ की कुटिया अयोध्या राज्य में ही थी। वो महाराज दशरथ के कुलगुरु भी थे। हमें गुरु वशिष्ठ के उस आश्रम की तलाश थी। हालांकि अयोध्या में ज्यादा लोग उस जगह के बारे में नहीं जानते, लेकिन थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद हमें वो आश्रम मिल गया। वहां में एक कुंड भी दिखा, शायद वही कुंड जिसका जिक्र रामायण में भी है, और माना जाता है कि रामलला अपने भाइयों और दोस्तों के साथ वहां आया करते थे। राम कथाओं में हम सभी ने श्री राम के गुरुकुल को कुछ इस अंदाज में देखा है।
जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। दावे के मुताबिक अयोध्या के करीब गुरुकुल की वो जगह आज भी मौजूद है, जिसे अब विद्या देवी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं गुरु वशिष्ठ का वो आश्रम यहीं इसी जगह पर था। तो भगवान राम के बाल रूप की लीलाएं आपने देख ली। अब वक्त आ गया पढ़ाई का। पढ़ाई मतलब स्कूल चाहिए, विद्यालय चाहिए। तो ये विद्या कुंड है, अयोध्या का विद्या कुंड, यानी कि वो जगह जहाँ पर भगवान राम और उनके भाई पढ़ाई किया करते थे। मतलब बाल रूप का अगर बिल्कुल आखिरी पड़ाव आप देखें कि जहाँ से उन्होंने स्कूलिंग शुरू की, पढ़ाई शुरू की, विद्या लेना शुरू किया, तो वो ये जगह थी। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का आश्रम था जहाँ पर आके वो पढ़ाई किया करते थे। और यहाँ पर विद्या देवी मंदिर भी था। विद्या देवी मंदिर अभी भी मौजूद है लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका है। लेकिन कुंड में नहाकर वो चारों भाई पढ़ाई के लिए यहीं पर आया करते थे। कई बार कहानियों में सुना गया है श्री राम को सरस्वती देवी का आशीर्वाद था। वो हर पाठ को तेजी से याद कर लेते थे, सवालों के जवाब देने में भी वक्त नहीं लगता था। कहते हैं विद्या की देवी के चमत्कार का नाता इसी जगह से है। ये देवी के ही कृपा हुई, साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दी भगवान श्री राम चारों भाई को। तो इनके कृपा स्वरूप जो है गुरु वशिष्ठ ज्यों ज्यों बोलते गए अल्पकाल में सारी विद्याओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी साक्षात जो है सरस्वती उनके जिह्वा पर विराजमान हो गई। तो ये वो स्थल है विद्या कुंड जहाँ भगवान श्री राम विद्या अध्ययन किए थे मुख्य रूप से। पाठशाला से दशरथ महल की तरफ बढ़ने पर रास्ते में एक कुंड मिलता है। कहा तो यही जाता है कि रामायण के समय में ये जगह रामकोट में दशरथ महल का एक हिस्सा था, जहां श्री राम अपने भाइयों के साथ आते थे। ये कुंड अपने आप में बाल अवस्था से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। बाल रूप में भगवान राम जाहिर है सुबह उठ के दातुन किया करते थे। अब दातुन करने के लिए पानी चाहिए, स्नान करने के लिए एक जगह चाहिए, तो ये है दंत धावन कुंड, मतलब दांतों को धोने वाली जगह। अब आप सोचेंगे कि इतनी स्पेसिफिक जगहें क्यों बनेंगी, दांत मांजने के लिए अलग से एक जगह, नहाने के लिए अलग जगह, पूजा के लिए अलग जगह। लेकिन क्योंकि एक राज परिवार के घराने के युवराज जब दांत भी मांजते हैं तो वो भी एक तरह से एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है। और ये दंत धावन कुंड उस बात का सबूत है कि भगवान राम और उनके भाई जब दांत मांझने यहाँ पर आया करते होंगे तो ये भी एक तरह से इवेंट होता होगा। लोग खड़े होकर चारों तरफ से देखते होंगे और आज भी करीबन नज़ारा वैसा का वैसा ही है। अयोध्या में श्री राम के बाल रूप से जुड़े अब बहुत कम ही निशान बचे हैं, लेकिन अब बात उस साक्ष्य की जिसके बगैर राम कथा अधूरी मानी जाती है, जिसका नाम है राम दुर्ग। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक अयोध्या की सुरक्षा के लिए श्री राम ने नगर के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करके इसके चारों कोनों पर चार किले बनवाए थे, जिसे राम दुर्ग कहा जाता है। आज केवल दो किलों की निशानी ही बची है, पहला सुग्रीव किला और दूसरा हनुमानगढ़ी। कहते हैं ये किला सुग्रीव को दिया गया था जो लंका विजय के बाद श्रीराम के साथ अयोध्या आए थे। इस किले को लेकर श्रीराम की रणनीति का जिक्र कई दस्तावेजों में मिलता है। आप ये किताब देखिए, बहुत पुरानी किताब है। फ्रांस बेकर नाम के एक ऑथर हैं, हैंस बेकर, जिन्होंने अयोध्या पे पूरी किताब लिखी थी और ये पूरा नक्शा उन्होंने दिखाया था राम दुर्ग का। और ये सुग्रीव किला है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सामने हनुमत किला है, हनुमत दुर्ग जिसको कहते हैं, आज जिसको आप हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। वो लाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हनुमंत किला था उस समय का, जिसको अब आप लोग हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जामवंत का किला भी था, विभीषण का किला भी था, यहाँ गंधमादन किला भी था, गावस का किला भी था, नवरत्न किला भी था, नीलनल द्वार भी था, अंगद का किला भी था। तो ये सारे किले चारों तरफ मौजूद थे
उस समय में जब राम दुर्ग यहाँ पर मौजूद था। तो राम दुर्ग के चारों तरफ ये सारे, आप इस तरह से समझ लीजिए कि भगवान राम के जनरल्स थे, तो उनके किले के आसपास ही इन सब के किले भी बने हुए थे, इन सब के दुर्ग भी बने हुए थे। रामायण के समय के राम दुर्ग की कुछ ही निशानियां शेष हैं, जिनमें हनुमान गढ़ी के साथ ये सुग्रीव किला भी शामिल है। उस भवन की चर्चा वाल्मीकि रामायण में की गई है, तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, ये जो मुक्ता वैदुर्य मणियों से सुसज्जित महल बनवाया है, जिसके चारों तरफ सुंदर वाटिका वगैरह, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बहुत ही है, ये सुरम्य स्थान है, रमणीक स्थान है, तो ये महल तूने मुझे तो सौंप दिया, लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि सुग्रीवाय निवेदये, ये मेरे मित्र हैं, मेरे दैत्य सखा हैं, मेरे साथ आए हैं और राजा हैं, तो ये महल इनको निवेदन कर दो। हनुमान गढ़ी के बगैर आज भी अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहले यहाँ पहाड़ था, गुफा थी, आज महाबली का सबसे बड़ा धाम है। मान्यता है कि इस जगह से आज भी पवन पुत्र हनुमान अयोध्या की रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ राम के परम भक्त हनुमान है। और अयोध्या का अगर कोई बहुत डिफाइनिंग फीचर है जिसको आपने हमेशा देखा होगा, वो ये हनुमान गढ़ी है। अब गढ़ी का मतलब किला होता है, और ये वो किला था जो हनुमान जी को दिया गया था अयोध्या का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अयोध्या के चारों तरफ ये किले बने हुए थे, सुग्रीव किला, विभीषण किला, नीलंगत किला और ये हनुमान किला, जिसको आज हम हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। आज हनुमान गढ़ी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कभी कोई किला रहा होगा, लेकिन इस धाम में लोगों की गहरी आस्था है। इसी वजह से लोग राम लला के दर्शन से पहले यहाँ आते हैं। देखिए, हनुमान गढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ पर आने वाले भक्तों की भीड़। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने सबसे परम भक्त हनुमान को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी रामलला के दर्शन के लिए आएगा, पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा और उसकी हर मुराद यहाँ पर पूरी होगी। हनुमान गढ़ी धाम अयोध्या की सबसे ऊंची जगह पर है। कहते हैं पहले अयोध्या में प्रवेश करने के लिए राम दुर्ग का सबसे बड़ा दरवाजा इसी जगह पर था, क्योंकि श्री राम ने अपने परम भक्त को सबसे बड़ा किला दिया था। लंका पर हमला करना हो या फिर अयोध्या की रक्षा करनी हो, भगवान राम को सबसे ज्यादा भरोसा अपने परम भक्त हनुमान पर ही था। इसीलिए जब राम कोट बसाया गया तो उसमें सबसे बड़ा गेट, सबसे बड़ा किला हनुमान जी को दिया गया, जिसे आज आप हनुमान गढ़ी के तौर पे देखते हैं। ये कभी किला था, आज मंदिर है, लेकिन हनुमान जी के रंग पर लाल रंग दिया गया है इस मंदिर को, और यही हनुमान गढ़ी की पहचान है। श्री राम का कोई भी रूप हो, अयोध्या की कहानी के तार श्री राम के हर रूप से जुड़ते हैं। वैसे भी राम भक्ति को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, लेकिन श्री राम के जन्म स्थान से जुड़ी आस्था इस जगह को एक अलग ही रंग देती है। रामायण के बाद युग बीत गए, आगे भी कई सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन जब तक अयोध्या रहेगी, सरयू नदी में राम कथा की धारा बहती रहेगी। तो यह था श्री राम की कथा का एक अनोखा, एक अद्भुत सफर। लेकिन यह सफर यहां खत्म नहीं हुआ,
बल्कि सफर तो हमेशा जारी रहेगा। अभी बहुत कुछ तलाशना है, बहुत कुछ पता लगाना है। तो फिर मिलेंगे राम कथा के किसी नए अध्याय के साथ, एक सफर के किसी नए पड़ाव के साथ।